श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी के दो बेटों की दबंगई सामने आई है। दोनों ने गुरुवार रात साथियों के साथ वन चौकी में घुसकर वन कर्मियों के साथ मारपीट की। इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामले में वनकर्मियों ने कराहल थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि शुक्रवार शाम तक पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज नहीं किया था। ये घटना बुढ़ेरा वन रेंज की पिपरानी चौकी में गुरुवार रात 8 बजे हुई, जहां पहुंचे विजयपुर के भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी के बेटे धनराज ने चौकी में पदस्थ वनकर्मियों से बहस शुरू कर दी और इसके बाद उनसे फोन लगाकर अपने भाई दीनदयाल आदिवासी और अन्य साथियों को बुलाकर मौजूद वनकर्मी रामराज सिंह, ऋषभ शर्मा और वाहन चालक हसन खान के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट तक की। वनकर्मियों ने अपनी शिकायत में कहा कि विधायक के बेटों का कहना था कि तुम लोग हमें जंगल से रेत बोल्डर सहित लकड़ी नहीं ले जाने देते, रोजाना हमारे लोगों को रोकते हो। इसके बाद करीब आधे घंटे तक हंगामा करते हुए उन्होंने वनकर्मियों से मारपीट की। वहीं घटना के बाद वनकर्मियों ने वन परिक्षेत्र अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी दी, जहाँ वन परिक्षेत्र अधिकारी बुढ़ेरा रेंज ने इस संबंध में कार्रवाई को लेकर आवेदन पत्र भी सौंपा, लेकिन शुक्रवार शाम तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था। मामले को लेकर जब भाजपा विधायक सीताराम आदिवासी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उनका कहना था कि मैं भोपाल में हूँ, घटना की जानकारी लेकर आगे बता पाऊंगा। वहीं SDOP रामतिलक मालवीय का कहना है कि उक्त घटना के संबंध में बुढ़ेरा रेंज के वन परिक्षेत्र अधिकारी का आवेदन मिला है, जिसकी जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसकी जांच की जा रही है। इसी तरह विधायक पुत्रों की तरफ से भी आवेदन आया है, दोनों की जांच की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।